वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर। इसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर यह वाराणसी माना गया है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर माना गया है। इस संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है वाराणसी। यदि हम वाराणसी में घाटों की बात करें तो वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए रिवर फ्रंट कदम पर है। कुल शहर में 88 घाट बने हुए हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट है, जबकि दो घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान में यदि हम घाटों की बात करें तो प्रमुख घाट 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, त्रिपुर भैरवी घाट, मनमंदिर घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और दशाश्वमेध घाट है। इसी कड़ी में आज R9 भारत आपको वाराणसी में स्थित दशाश्वमेध घाट के बारे में चर्चा करेगा। इस घाट का अपना एक विशेष महत्व है। संवाददाता रवि आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सीधा लाइव कवरेज कर रहे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा तटवर्ती सुप्रसिद्ध स्थान है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक अपना महत्व है। काशी खंड के अनुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने काशी में आकर यही दशाश्वमेध यज्ञ किया था। दशाश्वमेध घाट गोदौलिया से गंगा जाने वाले मार्ग के अंतिम छोर पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों की अगर हम माने तो राजा दिवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ कराने के कारण इसका नाम दशाश्वमेघ घाट पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया था। वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हुए हैं। यह सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। वाराणसी में लगभग सभी घाटों की अपनी एक महत्व है। यह घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। वाराणसी के इन सभी घाटों में मुख्य रूप से 5 घाटों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन्हें सामूहिक रूप से पंच तीर्थ भी कहा जाता है। इनमें से 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट और मणिकर्णिका घाट सम्मिलित हैं। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि आर्य की तरफ, जो बता रहे हैं इस दशाश्वमेध घाट की अपनी विशेष महत्व आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आज हम मौजूद हैं और वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से निकल चुके हैं। नौका के सहारे हम लोग गंगा के बीच धार में प्रवेश कर चुके हैं, गंगा के बीचों बीच आ चुके हैं। जैसा कि कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस समय गंगा के बीच में जो पक्षियां उड़ रही हैं, उनके संदर्भ में जानकारी मैं दे दूं कि ये वर्ष में, पूरे वर्ष में इसी माह में ये अमेरिकन पक्षियां आती हैं और उसके बाद ये यहाँ से विलुप्त हो जाती है। साल भर में इनका यहाँ एक कहा जा सकता है कि एक विशेष प्रकार का दौरा है। पूरे दिन दशाश्वमेध घाट पर पूरे दिन हर रोज़ स्नान ध्यान दान का कार्यक्रम चलता है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपने श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित संकल्प तमाम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ की विधियाँ पूरे दिन चलती रहती हैं। गंगा के बीच धार में हैं और जैसा कि हम आपको दिखाएं कि हमारे चारों तरफ आप देखेंगे पक्षियां हैं, अनेकों नौका पे भ्रमण करता सवार होकर के गंगा के बीच में आकर के नदी का आनंद ले रहे हैं एवं सब परिवार देखा जाए तो दूर दराज से सब परिवार लोग आए हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं नौका के माध्यम से। माँ गंगा के बीचों बीच हैं और इनका आनंद ले रहे हैं। किस तरीके से, मैं चाहूँगा कि अपने सहयोगी पवन जी से मैं चाहूँगा कि वो नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके से ये पक्षियों का जो आप मेल जोल देख रहे हैं, ये इनका समूह जो देख रहे हैं, बड़ा ही मनोरम मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने सहयोगी के साथ। बड़ा ही अच्छा दृश्य है, मनोरम दृश्य है और वक्त में पूरे वर्ष में पूरे माह में आपको देखने को मिलेगा। गंगा के बीचों बीच इस प्रकार
का जो माहौल दिखाई दे रहा है बड़ा ही मनोरम दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ लोगों का आवागमन पूरे दिन लोगों का आवागमन रहता है गंगा के बीचों बीच। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, चारों तरफ लोगों में उल्लास दिखाई दे रहा है, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बहनें, माताएं, सभी लोग आनंद पूर्वक गंगा की यात्रा कर रहे हैं नाव के माध्यम से। इस गंगा में एक विशेष प्रकार का उमंग का यात्रा है। देखिए हमारे साथ इस वक्त नाविक हैं जिन्हें साहनी भी हैं, वो घाट के मनोरम छटा के बारे में कुछ बताएंगे, पक्षियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये पूरे दिन पूरे वर्ष इनका यही कार्य है श्रद्धालुओं को इस पार से उस पार ले जाना, ले आना, गंगा के मनोरम दृश्य को दिखाना। तो आइए जानते हैं, इनसे जानते हैं थोड़ा गंगा के बारे में, यहाँ के दृश्य के बारे में। तो दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे ये जो पक्षियाँ उड़ रही हैं क्या साल भर ऐसे ही रहती हैं कि किस तरह? नहीं सर, ये नवंबर से मार्च तक रहती हैं। नवंबर से मार्च तक रहती हैं। गंगा के बारे में कुछ बताएं, लोग कैसे आते हैं, किस प्रकार? नवंबर से मार्च तक जब पक्षियाँ आ जाती हैं तो लोगों को बहुत दुख आती है, उनको देखने के लिए, उनको दाना खिलाने के लिए, बहुत सारे भूखे रहते हैं तो दाना खिलाने के लिए बहुत सारे लोग 5 किलो, 10 किलो और 1 किलो अपने अपने श्रद्धा जैसी होती है वैसा लेकर आते हैं और इन लोग खिलाते हैं। और इन्हीं की वजह से ये लोग यहाँ बहुत सारी आते हैं, करीब लाखों के तादाद में ये लोग यहाँ आ जाते हैं। दिनेश जी ने बताया कि दिनेश जी ने बताया कि पक्षियों को देखने के लिए, ये जो पक्षियाँ हैं इन्हें देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और हर रोज दाना खिलाने के लिए दशाश्वमेध घाट पर लोग मौजूद होते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद पक्षियों को दाना डालने के लिए लोग आते हैं, नाव के माध्यम से गंगा के बीचों बीच आते हैं, कोई घाट के किनारे से दाना डालता है। वाराणसी से पवन चक्रवाल के साथ मैं रवि कुमार, R9 भारत। वाराणसी से रवि आर्या, R9 भारत।